हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कितनी मेहनत वाली बनने वाली है मेरी, और मैं बिल्कुल कड़ी धूप में खड़ी हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने देना है अपना हाउस टूर। कमेंट्री करने के लिए खड़े हुए हो। एनीवेज, तो हम लोग ने मैंने अपने सारे बहन भाइयों को सफाई पे लगाया, अपने पूरा घर साफ करवाया, सबने बहुत काम किया। आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि इसकी इस वीडियो पे बहुत मेहनत हुई है सबकी। इतना कोई ज्यादा डेकोरेटिव घर नहीं है, बिल्कुल सिंपल घर है। आधा साल हो गया इस घर को लिए हम बना रहे। आधा साल हो गया इस घर को लिए हुए। हम लोग हमेशा कहते थे हम होम टूर की वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम नहीं बना पाते थे क्योंकि स्वैग ही अलग है, सुस्त बहुत थे ना। स्वैग ही अलग है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने गैराज से। गैराज आपको दिख रहा होगा, चले हमारी गाड़ी आपको दिख रही होगी, ये खड़ी है मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, मेरी प्यारी सी गाड़ी। हमारी गाड़ी ये गैराज है इसका। आज हम लोग यूज नहीं करते हैं गैराज के अंदर, सारा इन्होंने स्टोर रूम की चीजें होती हैं वो सारी रखी हुई हैं, और गैराज गाड़ी के लिए यूज नहीं होता है। कितनी अजीब बात है ना। लेकिन आपको दिखेंगे यूसुफ, सहर और सबीर, तीनों पड़े हुए यहाँ पे दिखेंगे। ये हमारे घर का गार्ड। यूसुफ, तुम क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री करने के लिए खड़े हुए हो? वो देखो पानी फेंकने लग गया है। यूसुफ, आर यू किडिंग मी? ये होम टूर नहीं है, ये इसकी बकवास का टूर है। ये मेरा गार्डन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मामा, प्यारे प्यारे फूल प्यारे प्यारे पौधे सब कुछ लगा हुआ है। इसमें मेरी मेहनत है, मैं रोज इनको। लेकिन हमारे बैकयार्ड में ज्यादा चीजें लगी हुई हैं, वो मैं आपको तब दिखाऊंगी जब हम बैकयार्ड में गए और सहर आपको डिटेल देगी, क्योंकि उसी ने लगाए हैं और वो इतनी खुशी से डिटेल देती है, पता नहीं क्यों देती है। ये भी कुछ ना कुछ फूल वगैरह, ये फूल है आपको दिख ही रहे हैं। यहाँ पे ट्यूलिप्स लगे थे, अब वो टूट गए। यहाँ पे रोजेस भी लगे हैं, ट्यूलिप्स भी लगते हैं, सब कुछ लगता है, और वो थोड़ी देर बाद ही। ये भी है, ये पड़ी है, चल इधर वो खेलते हैं। ऐसा कर, तू उधर खड़ा हो जा, तू बताने लग जा। मैं तुझे बता, तुझे कह रहा था कि बता, ये भी है। मेरी मामा को ये ग्रीनरी का बहुत शौक है। इंशाल्लाह जब आगे जाके हम एक अपना नया घर लेंगे इंशाल्लाह, तो हम लोग का और बड़ा गार्डन होगा और ज्यादा फूल वगैरह फल वगैरह। यूसुफ जा यहाँ से। ओके गाइस, तो यहाँ से हम एंट्री है हमारी, हमारे घर की, ठीक है, जो जिसमें हम घर के अंदर जाते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप, ये इतनी बड़ी खिड़की है हमारी, जो कि सबसे फेवरेट पार्ट है मेरे इस घर का, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा, जिस भी घर में रहती हूँ, मेरा दिल करता है कि बहुत ज़्यादा खिड़कियाँ हो और इतनी सनलाइट आए जिसकी को हद ही ना हो। एनीवेज, तो अब चलते हैं अंदर। ये तो आपको हर वीडियो में दिखता ही होगा, क्या नंबर है इसके? दो दरवाजे हैं, ठीक है। तो आपका स्वागत है मेरे घर में, आ जाइए। भाई तू क्यों मेरे पीछे आ रहा है? ओ भाई, मैं बाहर था, अंदर ना हूँ, बाहर खड़ा रहा हूँ, ये लोग पागल है क्या? तो हमारी एंट्री यहाँ से, जैसे हम एंटर होते हैं हमें एक वॉक इन क्लोजेट देते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ, इसमें जो भी हम लोग पहन कर जाते हैं, कोट्स वगैरह या जैकेट्स हो गए, वो यहाँ पे लाके हैंग करते हैं। अपने पर्स वगैरह, बैग्स जो के स्कूल के मेरे बहन भाइयों के हैं, वो यहाँ रखते हैं आकर, और जूते जो होते हैं वो थोड़े बहुत यहाँ रखते हैं। इसके बाद हम आते हैं लिविंग रूम की तरफ। ये है मेरा, हमारा लिविंग रूम, पता नहीं कौन था, ठीक है। ये हमारा लिविंग रूम, और क्या कहते हैं, ये आपको दिख रहा होगा कुछ ही महीने में अभी हम यहाँ मूव हुए हैं, तो इसलिए हमने अभी आहिस्ता हम चीजें चेंज कर रहे हैं, बट अभी के लिए तो खैर इतना ही है। बेसिकली ये हमारा एक लिविंग रूम है जिसमें हम बैठे रहते हैं पूरे दिन, खाते हैं, पीते हैं, बैठे और सनलाइट एंजॉय करते हैं। तो लिविंग रूम के साथ ही डाइनिंग रूम है, जो कि हमारा डाइनिंग टेबल है। ये यहाँ पे डाइनिंग एरिया दिखेगा, यहाँ पे हम सब कभी कभी बैठ के खाना खाते हैं, आपने मेरी वीडियोस में कुछ नहीं देखा होगा। तो ये इससे भी, ये मतलब ये इससे भी बड़ा साइज हो सकता है इसका, लेकिन अभी हमने इसको छोटा करके रखा क्योंकि काफी लोग हमारी फैमिली के भी यहाँ पे नहीं है, तो जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह इसको और बड़ा करके और ज्यादा अच्छे तरीके से रखेंगे। खैर, तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है, इसमें हमने सिर्फ यही रखा हुआ है, वो आपको पीछे वॉश वगैरह दिखेंगे, कुछ तरह से डेकोरेशन की चीजें दिखेंगी, लैंप वगैरह, बस इससे ज्यादा यहाँ पे डाइनिंग रूम में कुछ नहीं है। इसके इसी के साथ हमारा किचन है जो आपको दिख रहा होगा, तो हम किचन में चलते हैं। दिस इज द किचन। तो यहाँ आपकी आपका आप एंटर हो रहे हैं हमारे किचन में। ये सारा आपको पता होगा, यहाँ पे सारी ग्रोसरी की चीजें हैं, आपको थोड़ी बहुत थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दे देती हूँ, मैं ज्यादा नहीं दिखा सकती ऑब्वियसली, सामान वगैरह तो ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे भी बहुत सारा कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ खाने पुने की ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। ये हमारा चूल्हा है, चूल्हा, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा। ये हमारा माइक्रोवेव, बंद नहीं किया किसी ने, ठीक है।
यहाँ पे भी एक छोटा सा हमने एक डाइनिंग के लिए रखा हुआ है कि अगर किसी एक दो बंदे ने कि थोड़े लोगों ने खाना हो तो वो यहाँ बैठ के खा सकते हैं। तो अगर आपको वो यूज नहीं करना तो आप यहाँ बैठ के भी खा सकते हो। अफतारी हम यूजली यहाँ करते थे। एनीवेज तो ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे और ये हमारी फ्रिज है। तो इसी साथ फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास एक बाथरूम है, ठीक है, रेस्ट रूम है, वो ये है। तो ये बाथरूम है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। गाइस तो लिविंग रूम के साथ ही हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, ठीक है। जो स्टेयर्स दिख रही होंगे आपको, ये भाई तू क्या कर रहा है ऊपर? अभी देखो गला। ओके तो हम यहाँ स्टेयर्स से ही आगे आते हैं इधर, तो आपको आ जाएं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे यूसुफ साहब का कमरा, ठीक है। तो दिस इज यूसुफ साहब का कमरा, जो कि आपको गंदा ही दिखेगा। आपको जो आज से वैसे मेहनत से सफाई तो की है, लेकिन खैर। तो ये इसका बेड है, ये इसका कंप्यूटर का एरिया है जहाँ पे आपको गेम्स, परफ्यूम्स और बस प्रीटी मच इसमें ये है। और इसकी ये कबर्ड है, ये ठीक है। तो इसको भी हम बंद कर देते हैं, ठीक है। काफी हार्ड वर्क किया, काफी हार्ड। ओके इसी के साथ आता है मामा का कमरा, ठीक है। तो ये हम एंटर हुए मामा के कमरे में। दिस इज मामा का कमरा, ठीक है। ये भी कबर्ड मामा की है और कबर्ड ये भी यहाँ पे एक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें भी आपको कपड़े नहीं दिखाने चाहिए इसमें भी आपको कपड़े ही दिखेंगे जो कि बहुत ख़राब हालत में है। खैर और ये बेड है, वो ड्रेसिंग टेबल है और ये बेडशीट टेबल है। सो बस ये मामा का कमरा है, ठीक है। ओके गाइस सो दिस इज माय रूम, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इतना कुछ मैं अपने कमरे में रखा नहीं हुआ। ये हमारा कुत्ता एक, इतना कुछ रखा नहीं हुआ कमरे में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी है, ठीक है। तो ये मेरा बेड है, इसमें मैं बैग्स होते हैं। ये बेड से टेबल है, ये हमारी आपको दिख रही होगी कि हम कितने बेवकूफ़, कितने पागल हैं स्किन केयर सब चीज़ों के पीछे। तो ये वो सब कुछ है। ये मिरर मैंने खुद सेट किया है सारा, इसमें लाइट्स अलग से लाकर सारे सेट किए हैं। ये सब एरिया भी बुरा लग रहा है, बट आई फिगर आउट कि मैंने इसको क्या करना है, ठीक है। यहाँ से रोशनी आती है जो कि बहुत कम है। इंशाल्लाह जब अगली बार घर लूंगी तो इतनी बड़ी खिड़की वाला लूंगी अपने कमरे के लिए। नीचे वाली खिड़की हमने सोचा था कि ऊपर लगा देते हैं, ये वजह क्या था। एनीवेज सो दिस इज माय रूम, ओके सो लेट्स गो। सो अब हम आ गए हैं हमारे रेस्टोरेंट में, जो हमारा अपना ऊपर वाले फ्लोर का है, जो थोड़ा बड़ा है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरे मुल्क के ब्रशेस, ये सब के फेस वॉश वगैरह। इसमें लाइट कहाँ गई, इसकी लाइट कहाँ गई, लाइट चलाओ। ये लाइट है इसकी, उसका वो है एग्जॉस्ट फैन। शार का एरिया, ठीक है, जाने लगे अपने बैक यार्ड में। सो लेट्स गो। मामा ये हमारी मामा है, मामा इधर देखो। नहीं करो मैं क्या मैं हमारे बैकयार्ड में दो जगह है, एक तो हम बाहर से भी जा सकते हैं और एक हम यहाँ से भी जा सकते हैं, और हम प्रेफर करते हैं यहाँ से। What the hell is this? This tomato. टमाटर. टमाटो. ये वो है अंगूर. I know. That's what I said. कि देखो कितने प्यारे लग रहे हैं. The professional. ये तो टमाटर है. टमाटर है. टमाटो देखो. सबसे पहले उनको ये अंगूर दिखाओगे, अंगूरों की शाख कितनी बड़ी है और कितने ज्यादा आगे हैं देखो, और वो वहाँ पे वहाँ तक जा रहे हैं, वहाँ तक है। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो है। गाइस देखो सब में टमाटर आए हुए हैं, वो देखो वो सबसे बड़ा टमाटर है, वो उसके अंदर दिखा, वो पतली क्या, वो देखो शिमला मिर्च है, वो है टमाटर है। हमने पहले क्यों नहीं देखा। ओके और ये छली का है, ये मटर है, ये मटर आ गया गाइस, देखो और गाइस ये है शिमला मिर्च छोटी सी, शिमला मिर्च
साग आपको दिख रहा होगा, साग क्या है ये? पालक साग, साग और पालक वगैरह सारा कुछ है यहाँ पे, सारे आपको दिख रहे होंगे, मिक्स है सारा कुछ, ठीक है। धनिया और गाइस ये है ग्रीन ग्रीन अनियन। के बाद आपको यहाँ पे कबूतर दिख रहे होंगे, ये कबूतर रखे हुए हैं, ठीक है, इनको हम दाना डालते हैं। शेड है यहाँ पे, हम यहाँ पे हमने स्टोरेज वगैरह की चीजें रखी हुई है सारी, ठीक है। जितने थे वो भी भाग रहे हैं अक्सर। बैग से हम लोग यहाँ से बनेगी राज के अंदर जाने के लिए, ये दरवाजा भी है, ये हमारे बैक यार्ड का दरवाजा है, ठीक है। तो यहाँ से हम पर्सन लेकर जा सकते हैं, और ये हमारा फ्रंट का है। चलो यार इसको तो हटा देते हो, कितना अच्छा लग रहा है। सारे प्याज कह रही है, सारे ग्रेप्स है, देखो सारी एंड तक जा रही है, यहाँ तक आगे तक, ये सारे ग्रेप्स हैं। तो आई थिंक ये प्रीटी मच इट होता है हमारा आज का व्लॉग, सब कुछ आपको दिखा सकती हूँ जितना दिखा पाई हूँ। ऑब्वियसली अभी तकरीबन कुछ ही टाइम हुआ है मैं यहाँ आए हुए, मतलब काफ़ी महीने तो हो गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है बाहर की लाइफ इतनी बिजी है कि इंसान अपना टाइम दे ही नहीं सकता घर को, तो इसीलिए जो है अब इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे इसको लाइक करना मत भूलना, कमेंट करें, और मेरे इस ब्लॉग को शेयर करना मत भूलें। अगर आप लोग न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। सबको क्रेडिट जाना चाहिए, इन्होंने घर की बहुत सफाई की है, ठीक है। मैंने थैंक यू गाइज। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, वो मामा है और वो निमरा है, मेरी इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच गाइज, सो बाय।